प्रिय छात्र और छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर की क्लासेज के अंतर्गत हमारा लेटर राइटिंग का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स में इंक्वायरी लेटर्स, रिक्वेस्टिंग लेटर्स और एप्लीकेशन, इसके अलावा किसी भी विभाग से संबंधित जो पत्र लिखे जाते हैं उनके बारे में बताया था। कल पिछली क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको एप्लीकेशन में भी डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाने के लिए बोर्ड सेक्रेटरी के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसके बारे में बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए आपको कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए एप्लीकेशन देना है तो उस प्रकार के पत्र को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई जगह निकलती है और उसके लिए अप्लाई करना है और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, यानी जिसको अपन प्रार्थना पत्र के नाम से जानते हैं कि आप उस जॉब को करने के इच्छुक हो, तो आप उस प्रकार के पत्र को कैसे लिखोगे। बाकी अंतर में जो जितने भी आपको फॉर्मल लेटर्स कराए हैं उसमें किसी में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, बशर्ते कि आपको जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए हैं अपने स्टेप, कोई भी फॉर्मल लेटर्स किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह इंक्वायरी लेटर हो, चाहे वह आपका रिक्वेस्टिंग लेटर हो, चाहे वह आपका एप्लीकेशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित, चाहे वो आपका किसी एडिटर के लिए हो, किसी समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिखना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मल लेटर्स हो, वह आपको जो मैंने आपको बताए हैं 6 स्टेप्स के माध्यम से लिखना है। अब वो 6 स्टेप आपको यदि अच्छे तरीके से याद हैं, आप उनके बारे में जानते हो कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, थर्ड स्टेप में क्या लिखना है और फोर्थ में क्या लिखना है, फिफ्थ में क्या लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है, तो आपका फॉर्मल लेटर बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप उसमें अच्छे अंक ला सकते हो। तो देखो, किसी भी वैकेंसी के लिए जब कोई एप्लीकेशन लिखा जाता है तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो अपना टॉपिक क्या है, लेटर राइटिंग। जो टॉपिक अपना चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में उसका नाम है लेटर राइटिंग। क्या चल रहा है बच्चों? लेटर राइटिंग। इसके अंतर्गत चल रहे हैं अपने लेटर भी। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर जिनको अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है और दूसरे होते हैं फॉर्मल लेटर्स जिनको हम औपचारिक पत्र, यानी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित, किसी भी विभाग से संबंधित। तो क्या चल रहा है? फॉर्मल लेटर्स। और आज की क्लास में हम फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आपको किसके बारे में बताएंगे? एप्लीकेशन। जिसको अपन हिंदी में प्रार्थना पत्र के नाम से जानते हैं। पहले जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता था उसका प्रारूप अलग होता था, लेकिन गत वर्ष से इस प्रारूप को चेंज कर दिया गया है और इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वही 6 स्टेप हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट यू आर रवि फ्रॉम अजमेर, राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ PNB अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ ए पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। PNB अजमेर। यदि इस प्रकार का कोई
पत्र आपको आता है, यानी कहीं किसी डिपार्टमेंट में और वैकेंसी निकली हुई है और उससे संबंधित आपको पत्र लिखना है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन है पत्र लिखने वाला, रवि कुमार, कहाँ से है, अजमेर से। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था आपको, वह है होता है सेंडर्स एड्रेस। क्या होता है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस यानी पत्र भेजने वाले का पता। पत्र भेजने वाले के पते में अब यहाँ हमारे सामने जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है रवि फ्रॉम अजमेर। कौन हो आप? रवि हो, और कहाँ से हो? अजमेर से हो। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस में हमें अजमेर का एड्रेस लिखना है। शांति विहार अजमेर, ठीक है बच्चों। 24 सितंबर 2020। अब दूसरा होता है रिसीवर एड्रेस। किसके लिए पत्र लिखना है? राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर। किसके लिए लिख रहे हैं अपन? मैनेजर, शाखा प्रबंधक जो है, तो यहाँ लिखेंगे द मैनेजर। PNB अजमेर, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला स्टेप आता है सब्जेक्ट। किस विषय में लिख रहे हो पत्र? एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क एन PNB। इसके बाद अगला स्टेप आता है रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। दिस इज विद द रेफरेंस, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इन पत्रिका, इन राजस्थान पत्रिका यानी राजस्थान पत्रिका में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था आस्किंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, आस्किंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ ए क्लर्क अंडर योर काइंड कंट्रोल, ठीक है बच्चों, अंडर योर काइंड कंट्रोल। आगे आई ऑफर myself as one candidate, as one of the candidate।
कैंडिडेट्स, ठीक है बच्चों। यहाँ से नीचे दिखाई नहीं दे रहा हुआ, मैं इसको ऊपर से हटा देता हूँ। आस्किंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क अंडर योर काइंड कंट्रोल, आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, आई एम एन एनर्जेटिक यंग मैन। आगे देखो, आई एम एन, मैं हूं एक क्या एनर्जेटिक आई एम एन एनर्जेटिक यंग मैन ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स। आई एम एन एनर्जेटिक यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स, पजेसिंग गुड हेल्थ, पजेसिंग गुड हेल्थ। एज रिगार्ड्स माई क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस, आई सबमिट माई बायोडाटा टू असेस, आई सबमिट माई बायोडाटा टू असेस माई सूटेबिलिटी, टू असेस माई सूटेबिलिटी फॉर दिस पोस्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद इफ़ गिवन ए चांस आई विल बी प्रूव्ड ऑन असेस्ड, इफ़ गिवन ए चांस आई विल बी प्रूव्ड ऑन। यहाँ देखिए, ये डिटर्मिनन दृढ़ संकल्प के लिए यहाँ पर मॉडल का प्रयोग हुआ है आई के साथ में। आई विल बी प्रूव्ड ऑन असेस्ड टू योर डिपार्टमेंट, assessed to your department thanking yours faithfully। क्या नाम है देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है पहले ही रवि। यहाँ पर हमारा इस प्रकार से यह पत्र पूर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली हो तो उससे संबंधित जो पत्र लिखा जाता है, एप्लीकेशन, जो प्रार्थना पत्र होता है, उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्या चीज़ हमने सबमिट की है, यानी हमारा जो बायोडाटा है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उस जॉब के लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो उस जॉब के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले बायोडाटा, उसमें जो अपनी पंक्ति है उसमें यह उल्लेख हो जाना चाहिए कि जो आपने अपने इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता रखी थी वह मैं
अपने पास रखता हूँ, अतः इसलिए मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन को लिखना है। और देखिए जैसे, हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए जैसे आप किसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो और वहाँ उस विद्यालय में संबंधित जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल को आपको कोई पत्र लिखना है, वो एप्लीकेशन की श्रेणी में आता है, तो वही फॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स में एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए विद्यालय से संबंधित है, जैसे आपको कोई अरेंज एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करवानी है, या मान लीजिए आपको री एडमिशन लेना है, या न्यू एडमिशन लेना है, या आपको सेक्शन चेंज करवाना है, तो इस प्रकार के जो पत्र जो विद्यालय से संबंधित लिखे जाते हैं, उसमें मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बता दी कि जो भी फॉर्मल लेटर्स हैं किसी भी विभाग से संबंधित हैं, आप जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं उनको कंटिन्यू याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, सेकेंड में क्या आता है, आपका फॉर्मल लेटर्स कम्प्लीट हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो इसी श्रेणी में मैं आपको एक दो जो एप्लीकेशन हैं जो विद्यालय से संबंधित होते हैं उसको मैं आपको अभी लिखा रहा हूं। जैसे देखो, मान लीजिए इमेजिन दैट यू आर अशोक फ्रॉम भरतपुर, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल भरतपुर, इमेजिन दैट यू आर अशोक फ्रॉम भरतपुर स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, यू फेल इल एंड कुड नॉट गो टू स्कूल, you fell ill and could not go to school. 15 days your name has been struck off school of 15 days your name struck off so write an application to the principal to readmission. ठीक है बच्चों, यानी पुनः प्रवेश लेने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता रखा है, सेंडर्स एड्रेस भरतपुर, तो B कृष्णा नगर भरतपुर। ठीक है बच्चों, डेट यहां तक फर्स्ट स्टेप पूरा हुई। सेकंड स्टेप में रिसीवर्स एड्रेस द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, क्या है सब्जेक्ट, फॉर री एडमिशन,
रिगार्डिंग री एडमिशन पुनः प्रवेश से संबंधित। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ टेंथ क्लास ऑफ योर स्कूल ड्यूरिंग द रेनी सीजन I fell ill. ये कारण हो गया। I had malaria. Fever. I could not come to school for 15 days. Now I am well and want to start my study again. Now I am well and want to start my study again. But my name has been struck off from the attendance register. But ऊपर से इसको हटा देता हूं। बट माई नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द अटेंडेंस रजिस्टर बट माई नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द अटेंडेंस रजिस्टर आई हमली रिक्वेस्ट यू फॉर माई री एडमिशन I humbly request you to for my re-admission in the same class. ठीक है बच्चों। आई एम एनक्लोजिंग
मेडिकल सर्टिफिकेट आई एम एनक्लोजिंग मेडिकल सर्टिफिकेट आई प्रोमिस टू मेक अप फॉर द लॉस बाई कमिंग टू स्कूल रेगुलरली आई प्रोमिस टू मेक अप आई प्रोमिस टू मेक अप आई प्रोमिस टू मेक अप फॉर द लॉस बाई कमिंग फॉर द लॉस by coming a school regular for the loss by coming to school regularly yours अब यहां पर बच्चों आपको पता है प्रिंसिपल के लिए लिखा जा रहा है तो यहां पर ओविडेंटली योर्स ओविडेंटली क्या नाम है ऊपर देखो अशोक क्लास टेंथ इस प्रकार से अब यहां पर क्या था देखो इमेजिन दैट यू आर अशोक फ्रॉम भरतपुर स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर यू फेल इल एंड कुड नॉट गो टू स्कूल ऑफ 15 डेज यानी तुम बीमार पड़ जाने के कारण 15 दिनों से लगातार विद्यालय नहीं आ सके जिसके कारण क्या हुआ योर नेम तुम्हारा नाम स्ट्रक ऑफ कार्ड दिया गया सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू री एडमिशन इसलिए अपने प्रधानाचार्य को और क्या करना है री एडमिशन पुनः प्रवेश लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है ठीक है बच्चों अब इसमें पहला स्टेप जो मैंने बताया था उसमें क्या था सेंडर से एड्रेस था जो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ का एड्रेस कहाँ से है अशोक भरतपुर से है तो भरतपुर का एड्रेस डाल दिया पहला स्टेप हो गया उसके बाद डेट जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है आप एप्लीकेशन जिस दिन लिख रहे हो वह कौन सी डेट में है जैसे आज है 20 सितंबर तो आज की डेट में हमने उस पत्र को लिखा और डेट लिख दी उसके नीचे दूसरा जो सेकंड स्टेप था वो था रिसीवर एड्रेस आप पत्र किसको लिख रहे हो पत्र प्राप्त करने वाला कौन है तो यहाँ पर देखो सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल किसके लिए लिखा जा रहा है प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के लिए लिखा जा रहा है तो दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है तो रिसीवर एड्रेस में क्या आया द प्रिंसिपल कहाँ का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर एड्रेस हो गया तीसरा स्टेप आता है सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या था किसके लिए पत्र था टू री एडमिशन पुनः प्रवेश लेने के लिए विद्यालय में आपका नाम कट चुका है नाम पृथक कर दिया गया है और आपको पुनः विद्यालय में प्रवेश लेना है री एडमिशन लेना है उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है तो सब्जेक्ट में क्या आया रिगार्डिंग री एडमिशन अर्थात पुनः प्रवेश के संबंध में वो जो हम पत्र लिख रहे हैं वह है पुनः प्रवेश के किस में है संबंध में है उसके बाद चौथा जो पॉइंट है अपना चौथा जो स्टेप है वो है मैसेज बॉडी जिसमें हम पत्र लिखते हैं अर्थात जिस विषय में हम अपने जो शब्द हैं उनको सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्या था मैंने स्टार्ट किया रेस्पेक्टेड सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल मैं तुम्हारे विद्यालय की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ ड्यूरिंग द रेनी सीजन बरसात के दौरान आई फेल इल में बीमार पड़ गया था आई हैड मेडिकल मलेरिया फीवर क्या हो गया था मुझे मलेरिया बुखार हो गया था आई कुड नॉट कम टू स्कूल 15 डेज मैं 15 दिनों तक विद्यालय नहीं आ सका 15 दिनों तक विद्यालय नहीं आ सका जिस कारण क्या हुआ कि मेरा नाम विद्यालय से काट दिया गया लेकिन अब क्या कह रहा है कि नाउ आई एम वेल एंड वांट टू स्टार्ट माय स्टडी अगेन लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ ठीक हूँ इसलिए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखना चाहता हूँ लेकिन बट माय नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द अटेंडेंस रजिस्टर लेकिन मेरा जो नाम है वह उपस्थिति पंजिका से उपस्थिति जो रजिस्टर है उससे पृथक कर दिया गया है आई हम्बली रिक्वेस्ट यू
मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ यू टू फॉर माई री एडमिशन, मेरे पुनः प्रवेश के लिए। ठीक है बच्चों, पुनः प्रवेश के लिए इन द सेम क्लास, उसी क्लास में आई एम एनक्लोजिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है वह मैं इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहा हूँ या उसके साथ सम्मिलित कर रहा हूँ। आई प्रोमिस टू मेक अप फॉर द लॉस बाई कमिंग स्कूल रेगुलरली, अर्थात मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मेरा ये जो नुकसान हुआ है अटेंडेंस संबंधित या पढ़ाई संबंधित, उसको मैं विद्यालय में सुचारू रूप से रेगुलर आकर के और उसकी पूर्ति करूँगा। ठीक है बच्चों, योर्स ओबीडियंटली अशोक, तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य कौन? अशोक। इस प्रकार से हमें विद्यालय से संबंधित कोई भी पत्र हो, जैसे मान लीजिए कि इमेजिन दैट यू आर राकेश स्टडिंग इन टेंथ क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश। मान लीजिए अंग्रेजी के लिए आपको एक अतिरिक्त कक्षा की लगवाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए लिखेंगे तो वही स्टेप रहेंगे और उसी क्रम में हमें किस कारण से आप अतिरिक्त कक्षा लगवाना चाहते हो, जिस कारण से तुम्हें अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जाए, तो उस कारण को देते हुए इस प्रकार से हम एप्लीकेशन। मान लीजिए कोई टूर्नामेंट मैच के लिए कोई परमिशन लेनी है, कोई फ्रेंडली मैच करवाना है, उसके लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, तो विद्यालय से संबंधित जो भी पत्र हैं, और मैं दो या तीन या चार पत्र और विद्यालय से संबंधित कोई फ्रेंडली मैच का, टूर्नामेंट का, या एक एक्स्ट्रा क्लास का, या अपना सेक्शन चेंज करवाने का, अपनी अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा। तो अपने रेगुलर क्लास आप अटेंड करते रहिए, और जो बच्चे अभी तक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो वह विद्यालय में आकर संपर्क करें, और विद्यालय के जो एडमिशन हैं, प्रवेश हैं, वो चल रहे हैं, तो जो बच्चे विद्यालय विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं, वो विद्यालय में आकर शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करें। धन्यवाद।